आराध्य ये जो हेल्थ सेंटर के लोकार्पण समारोह में जिनकी प्रेरणा से और आशीर्वाद से इसका निर्माण हुआ, ऐसे हमारे राष्ट्रसंत पूज्य गुरुदेव श्री नम्र मुनि महाराज जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे मनोज कोटक जी, किरीट सुमैया जी, पराग शाह जी, राम कदम जी, सभी महानुभाव उपस्थित, सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले पराग भाई का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर मानवता की सेवा का निर्माण किया। लेकिन मैं उससे ज्यादा आभार पूज्य गुरुदेव श्री का मानना चाहता हूं, क्योंकि बात तो यहां पर उपासना केंद्र मंदिर बनाने की थी और पराग भाई चाहते थे कि अपने गुरुदेव जी को एक मंदिर समर्पित करें, लेकिन गुरुदेव जी ने उनको ये आदेश दिया कि मंदिर तो बनना चाहिए, वो बनता है, वो कई जगह हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन इस क्षेत्र में आपने काम करना चाहिए। और उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर एजु हेल्थ सेंटर तैयार हुआ है, और चाहे वो डायलिसिस हो या फिर अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो, उसके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी व्यवस्था ये खड़ी की गई है। थैलेसेमिया जैसी बीमारी के लिए व्यवस्था खड़ी की गई है, जो मैं ऐसा मानता हूँ कि आज बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से समाज में जो लोग गरीब है, जो वंचित है, ऐसे लोगों की सेवा करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। और हमारे धर्म ने तो हमेशा हम सभी को यही सिखाया है कि सेवा से बड़ी कोई उपासना नहीं होती, और उसी उपासना को हमारे पराग भाई ने यहाँ पर मूर्त रूप में लाया है। और जैसा आदरणीय गुरुदेव जी ने कहा है, मेरा विश्वास है कि इससे भी बड़ा कार्य पराग भाई के हाथों से होगा, क्योंकि ईश्वर उन्हीं को देता है जो दोनों हाथ से देते हैं, और पराग भाई दोनों हाथ से देने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए गुरुदेव जी के आशीर्वाद से पराग भाई जहाँ हाथ डालते हैं वहां सोना होता है, और जहाँ सोना होता है वो समाज को दे देते हैं। तो इसलिए मेरा विश्वास है कि जो आज आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव जी ने पराग भाई को दिया है वो निश्चित रूप से पूरा होगा, और इससे बड़े बड़े और अच्छे कार्य समाज के लिए वो करेंगे। आज इतना अच्छा कार्य हो रहा था, आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग है और मुझे वहाँ उपस्थित भी रहना था, लेकिन इतना अच्छा कार्य हो रहा है और विशेष रूप से गुरुदेव नम्र मुनि जी महाराज, इनके दर्शन भी मुझे प्राप्त होगा और इस कार्य में सम्मिलित होने का भी अवसर मिलेगा इस लालसा से। मैंने कहा मैं 15 मिनट के लिए क्यों ना हो इस कार्यक्रम में जरूर आऊँगा और आशीर्वाद लेकर और शुभकामनाएं देकर जाऊंगा, तो उसके लिए मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला, इसलिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पराग भाई आप ऐसे ही अच्छा कार्य करते रहे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और गुरुदेव जी का आशीर्वाद लेते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र।